मछली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? शरारतें देखो इसकी, क्या कर रहे रोमियो? आज रोमियो कितनी आफत आई हुई है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या खाओगे आप? ले आजा 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 इधर आ, मिट्टी का इसको ज्यादा ही शौक पड़ा हुआ है। आजा आजा थोट, आजा 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 आजा। पापा नहीं आना, बाहर डर जाना। इधर ही बस रहा है। मिट्टी का ज्यादा शौक है, डड्डू जा बन जाता है। शरारती देखो इसकी, शरारती लक दे नाल ही कम होंदा। हुई हुई दुश्मन मिल गया ना, अपना दुश्मन। ये डस्टबिन नु एक जगह ते कदी नहीं इन्हें रहन देता, इसलिए खाली रखना पैंदा इन्हें। रोमियो ओए ओए हाथ ना काम दे। आए 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 वाह कितना क्यूट रोमियो। ओ बेबी ओए देखो देखो जी देखो, इसकी सर्विस हो रही है डस्टबिन की। डस्टबिन पूरे घर से घुमा देना, एक घुमा देना। देख ओनू रहने नहीं देता, ओदी जगह ते आप बैठदा वा। इथे ले आया खेडने वाला सामान दे कोल, ए भी खेडने वाला सामान ओदा, ए भी आया। मैं कहनी एदे विच ए टॉयज रख दी, ए साफ ही आ। हां इदा कर, किथे लग गया? ओ देख अपनी जगह ले गया इसको, डस्टबिन को इसको डस्टबिन चुकया अपने ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਹੁਣ। ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਓਹੋ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ, ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟ ਤੇ, ਮੈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੀ ਹੁਆ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ। ਲੈ ਲੂੰ ਮੈਂ, ਲੈ ਲੂੰ इसको ले लो। रोमियो ये मेरा है, ये मेरा है। तो डस्टबिन का पूरा चक्कर कंप्लीट होकर दूसरा चक्कर शुरू हो चुका है। आपके टॉय कहाँ है, टॉय कहाँ है? डंबल बड़ा है आपका, ये लो ये लो। चुका है मेरा बच्चा, खेली खेली कर ली, थक गया तो थक गया था। उठाऊं या नहीं? आ गया आ गया आ गया, कम बेबी मुंह में दे दी है इसके। रोमियो नो बेबी, रोमियो रोमियो रोमियो। देखो क्या कर रहा है ये, मेडिसिन का पत्ता जो बेड के नीचे पड़ा पता नहीं कैसे गिर गया होगा इनका, तो वो उठा कर लाया। इतने मुश्किल से इधर से गया उधर से आया। ये दे 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 दे, देख कर लेने दे। देख रहा ना बैठा हुआ है, तो डस्टबिन की जगह उसने बीच में कर दी दरवाजे के, तो डंबल अपना एक साइड पर रखा हो। तो लीटा देखो कैसे हुआ है ये, क्या कर रहे हो, थक गए थक गए? पीछे हो जा, मैं निकलना यार इतना। सब्जी बनाई है, सब्जी बनानी है मैंने, उठ जा यहाँ से, बाहर जाना मैंने। रोमियो कम बेबी, तो किचन में आ चुकी हूँ मैं, तो आज बना रही हूँ जी शिमला मिर्च आलू, शिमला मिर्च भर कर आलू भर कर। तो ऑयल मैंने गर्म रख दिया है। रोमियो क्या करके आई हो आप? ओ रोमियो चुचू किया, चुचू किया, आपको पता नहीं था बाहर करना है, चुचू क्यों किया? तो यहाँ आकर बैठ गए गर्मी में, गर्मी में आके बैठ गए आप, क्या बात है। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आपका, आई होप आप अच्छे होंगे, तो भगवान आपको सदा ही खुश रखे। तो
तो आजकल मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा जो रोमी हूँ घर में आया तो घर में रौनक सी। आज मैं बना रही हूँ जी शिमला मिर्च जो भरकर आलू भरकर बना रही हूँ, टेस्टी लगती है बच्चों को, तो वही आज स्टार्टिंग करूँगी कि सारा दिन जो रोमियो में निकल जाता है तो उसके आगे पीछे बार बार छुछू करता है ना, तो उठता है खेलता है खाता है तो उसको बार बार बाथरूम बाहर ले जाना पड़ता है, तो बीच बीच में छुछू जो अंदर भी कमरे में कर देता है तो उसको भी करना पड़ता है। तो अभी नेहा लेके गई है उसको अंदर, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो मैं सब्जी बना रहा हूँ शिमला मिर्च की तब तक मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो आइए गर्म कर लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है, तो हरी मिर्ची और प्याज डाल देंगे इसमें। जब तक प्याज थोड़ी सी ब्राउन होते हैं तब तक मैं शिमला मिर्च को काट कर अच्छी तरह से धो लेती हूँ। धो लिया तो इसको काट लूँगी ऐसे करके ना, सारे बीज जो इसके निकाल लेने हमने थोड़े से हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले जो सारे हैं, तो इसमें डालूँगी हल्दी आधा चम्मच, देगी मिर्च डाल दूँगी आधा चम्मच, लाल मिर्च, देगी मिर्च जो कलर के लिए होती है, तो धनिया पाउडर मैं बड़ा चम्मच एक जो भरकर डाल दूंगी, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं जितना डालना चाहें, तो मैंने डाल दिया है इसको। तो अब इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच जो आमचूर पाउडर, तो खटास के लिए ये भी चाहिए, तो इसको अच्छी तरह से लेंगे हम सॉटे कर। तो आधा चम्मच मैंने चाट मसाले का भी डाल दिया, तो ठेंगी सा थोड़ा सा फ्लेवर जो इसका अच्छा लगेगा, तो इसलिए मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। डाल दूंगी मैं आलू जो हमने मैश करके रखे हुए हैं, आलू जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ना तो सारे, तब हमने जो गैस बंद कर देना है इसका, क्योंकि मसाले हम भून चुके हैं। तो ये बहुत डरते हैं रोमियों से, तो पता नहीं इनको एलर्जी है, एलर्जी ऐसे नहीं कह सकते कि डर लगता है इनको, तो उठाकर जो भी गेट वेट खोलना पड़ेगा। तो सारी शिमला मिर्च जो मैंने डाल दी है कम आंच पर रखी है, तो इसको ढक दूंगी मैं, तो एक बार दो बार इसको पलट दूंगी अच्छी तरीके से, तो जो ये मिक्सचर पड़ा है ना इसको रख लेते हैं सैंडविच जहाँ कोई भी चीज़ में डालकर हम बना सकते हैं इसका। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने आलू का मिक्सचर इसमें निकाल कर रखी है, तो इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो बर्तन रखती हूँ वहाँ धोने के लिए। तो सब्जी जो शिमला मिर्च हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो नमक लगा रही हूँ इसको खाने के लिए। मिर्च जब दांतों से हुई तो नाक में हवा चल गई मिर्ची की। तो अभी मैंने जो सारे बर्तन ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि घर में राइस बनाए हैं, शिमला मिर्च बनाई है, तो दूसरी सब्जी भी पड़ी है, तो कोई बर्तन मैं नीचे नहीं रख रही, सभी कुछ नीचे से उठा रही हूँ, क्योंकि रोमी होता है तो एकदम से मुँह लगाता है तो जल जाएगा उसका मुँह, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं नीचे रखा, तो पूरी सड़क सजी हुई है। तो फुलके बनाने हैं चार पाँच, तो वो बनाने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो काम मेरा फिनिश हो चुका है। मिलूंगी अगली वीडियो में रोमियो की शैतानियों के साथ, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।